सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का ओपन करेंगे। प्रोटियस 8 न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट को रीनेम करें। मैं बना रहा हूँ पावर सप्लाई। नेक्स्ट करें। ए4 साइज नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे सिंगल लेयर पीसीबी बना रहे हैं। सिंगल लेयर पे क्लिक करें। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास एक दो विंडोज आ चुकी हैं। स्कीमेटिक कैप्चर पीसीबी लेआउट। स्कीमेटिक कैप्चर पे हम ड्राइंग करेंगे। पी पे क्लिक करेंगे। पहले पार्ट को सर्च करेंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है ट्रांसफॉर्मर। तो हम सर्च करेंगे सिंपल ट्रांसफॉर्मर। ये नहीं है सिंपल ट्रांसफॉर्मर, ये है। सही है। ओके करें। नाउ क्लिक ऑन द शीट। सो वहाँ पास एक कंपोनेंट आ गया। नेक्स्ट कंपोनेंट हमें लगाना है डायोड्स। पी पे क्लिक करें। दोबारा से डायोड को सर्च करें और 1N4007 रेक्टिफिकेशन डायोड। सो सेलेक्ट करें। क्लिक कर दें। हमें रोटेट करना है तो उसके लिए हम सिंपल सा रोटेट के ऑप्शन में आके इसको रोटेट कर देंगे। अब हम सिलेक्शन मोड पे क्लिक करेंगे और इसको मूव कर देंगे थोड़ा सा। अब इसकी वायरिंग करेंगे हम। सो वायरिंग करना बहुत आसान है। आप टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्शन करेंगे। कैपेसिटर हम इंसर्ट कर रहे हैं और उसके बाद अब देखें आप बहुत सारे पैकेजेस हैं एक एक डिवाइस के कि जो रिक्वायर्ड है हमें ये रिक्वायर्ड है। क्लिक कर दें। ओके कर दें। वायरिंग करेंगे इसकी। जो जो कंपोनेंट आपको रिक्वायर्ड है आप सर्च करें उसको प्लेस करें। तो देखिए हमारे पास ये कंप्लीट हो गई ड्राइंग हमारी। अब हम बना रहे हैं पीसीबी। पीसीबी बनाने के लिए आपने स्क्वायर पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन टूल्स। क्लिक ऑन ऑटो प्लेसर एंड ओके। ऑल द कंपोनेंट्स जितने कंपोनेंट हैं सारे आपके बोर्ड पे आ जाएंगे। सिलेक्शन मोड पे क्लिक करें और इसको अरेंज करें क्योंकि ऑटो प्लेसर परफेक्ट नहीं है क्योंकि कंप्यूटर है। खूबसूरती से जैसे आपको अच्छा लगे आप अरेंज करें इसको। और ख्याल रखें कि आपस में टच ना करें, ज़्यादा करीब ना हो, ज़्यादा दूर भी ना हो। इसको रिनेम करना है मुझे कि इनपुट है हमारा। इसको रिनेम करते हैं। रिनेम करने के लिए सिंपल आप डबल क्लिक करें और इसको रिनेम कर दें। इसको भी रिनेम करते हैं। डबल क्लिक करें रिनेम कर दें। सो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। सो दोबारा से आके टूल्स में आके इसको दोबारा से ऑटो प्लेसर से प्लेस कर दें जो कंपोनेंट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि मेरा एक कंपोनेंट नहीं आ रहा है, डायोड नहीं आ रहा है मेरा। डायोड को चेक करें कि इसका पैकेज नहीं है। हम पैकेज टूल में आकर इसका पैकेज असाइन करेंगे। एड पे क्लिक करें और सर्च करें रिक्वायर्ड पैकेज। LED लिखें यहाँ पे। ओके करें और पिन को असाइन करें ए के साथ ए और के के साथ के। ओके ओके सेव यस। पीसीबी लेआउट पे आते हैं।
अब दोबारा से ऑटो प्लेसर से हम प्लेस करेंगे अपने कंप्लेंट। देखें दोनों कंप्लेंट आ चुके हैं, अब इसको हम अरेंज करते हैं, इसकी जगह बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रेस साइज़ को 50 कर रहे हैं। अब ऑटो राउटिंग ऑप्शन ऊपर भी है, और हम चाहें तो टूल्स में आके ऑटो राउटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और बिगिन राउटिंग। अब देखें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पाथ सेलेक्ट कर रहा है। पीसीबी के साइज के मुताबिक हम बोर्ड इसको सेट कर रहे हैं। हम चाहे तो इसको दोबारा से खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको क्लिक करें, डिलीट कर दें इसको, और हम खुद से ड्रॉ करेंगे इसको। अब हम क्लिक करेंगे ट्रेस मोड पे और टर्मिनल को क्लिक करेंगे। आप देखें कि दूसरा टर्मिनल हाईलाइट हो गया है, जिसका कनेक्शन जहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें, तो उससे कनेक्शन हम मिला देंगे जहाँ पे हाईलाइट हुआ है वायर। डिलीट करते हैं और यहाँ भी शॉर्टेस्ट पार्ट सेलेक्ट करते हैं कि काफ़ी लंबा पार्ट हो गया था। आप चाहें तो इसकी जो मोटाई है वो यहाँ से भी राइट क्लिक करके ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। सेट कर दिया तो हमारी पीसीबी तकरीबन रेडी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसमें अपना नाम डालूँ। अब मैं ए पे क्लिक करूँगा और नाम लिखूंगा अपना, हाइट सेलेक्ट करूंगा उसकी, जीरो पॉइंट वन इंचेस। अब इसको मूव करते हैं। अच्छा ख्याल रखें कि बॉटम कॉपर लेयर को सिलेक्ट रखें, बॉटम कॉपर लेयर ही आखिर में हम प्रिंट करेंगे। अब टूल्स पे क्लिक करें, अब टूल्स पे क्लिक करें और पावर प्लेन जनरेटर पे क्लिक करें और ओके करें। अब यहाँ पे हमने दोबारा पावर प्लेन जनरेटर के ऑप्शन पे क्लिक करा और प्लेन का जो एरिया है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हमने एम्प्टी रखा, ओके करेंगे। थोड़ी शेडिंग करते हैं इसमें। फाइनली अगर हम देखना चाहें तो इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया हमारे पास। कंपोनेंट्स 3D में काफ़ी खूबसूरत व्यू आया है। आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट कैसे लगेंगे यहाँ पे। नाउ क्लिक ऑन पैड, इसके पैड साइज बढ़ाएं 50 कर दें और ताकि हमें बाद में सोल्डरिंग में आसानी हो और ड्रिलिंग में काफ़ी आसानी होती है। ये हमारा फाइनल स्टेप है। आउटपुट पे क्लिक करें, प्रिंट करें इसको और सिर्फ बॉटम कॉपर और बॉडी इसको रहने दें, बाकी सबको अनचेक कर दें। नाउ क्लिक ऑन ओके, सेव द फाइल, सेव। नाउ दिस हाउ इट्स लुक लाइक। तो
इसको हम बाद में प्रिंट करके पीसीबी पे पेस्ट कर देंगे। डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं फाइनली, इसको हम यूज़ करके हम कंपोनेंट लगाएंगे। सर्किट डायग्राम को प्रिंट करें और ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया।